अछंती अमृत धारार कार्यक्रमर समस्त आध्यात्मिक भाई भौनी मानंकु अभिनंदन जणौची। आजिर विषय वस्तुर ना हला शांति आमर स्वधर्म। आज समग्र संसार कोण अनुकोण रे बही चली अशांतिर झड़, से धनवान हंतु बा निर्धन, राजा हंतु बा रंक, समस्त प्राणी यही झड़र प्रकोपरे अस्तव्यस्त। शांति काहाकु बा प्रिय न लागे, शांतिर संधान रे हित साधु सन्यासी माने पर्वत जंगल रे भ्रमुचंती, भक्त माने मंदिर बा तीर्थयात्रा करुचंती, वैज्ञानिक माने शांति रे रहिबा लागि अन्य चंद्र अन्य ग्रह नक्षत्र मानकरे नूतन दुनियार अनुसंधान करुचंती। प्राय मनुष्यर धारणा ये धन द्वारा ही शांति मिलिथाए, सेथिपई अधिकरु अधिक धन उपार्जन रे मनुष्य निजर अमूल्य जीवनर अपचय करि चालिचि। जदि धन द्वारा शांति मिलुथांता तेबे तो समस्त धनी व्यक्ति शांतिर कुबेर होई सुख शांति संपन्न जीवन जापन करुथांती। किंतु संसारर 60% लोकंक भाग्यरे मानसिक अशांति जगु निद्रा प्राय हजि जाइचि। तेणु कथारे अछि जे धन पुस्तक किणि पारे किंतु बुद्धि नुहे, औषध किणि पारे किंतु स्वास्थ्य नुहे, खाद्य किणि पारे किंतु पाचन शक्ति नुहे, तुली तल्प सज्या किणि पारे किंतु सुनिद्रा नुहे। धनर परिसीमा खूब सीमित, मनुष्य कष्ट करी धन उपार्जन करे, तार संरक्षण पाई मध्य चेष्टा करी थाए। तो ये शांतिर मरीचिका पछरे धावमान मनुष्यर समस्त प्रयास सत्वे मध्य से शांतिर निकटवर्ती हेई पारु नै। जदि बा पाउची अल्प कालर शांति पाणी फटका परि, पुणि ता जीवनरे अशांति माड़ी आसुची। तो ए शांति पई प्रचेष्टा ए कोन निष्फल हेबो? वास्तवरे शांति कहार दरकार? आमे दिन सारा दुईटि शब्द व्यवहार करिथाउ, ताला मु आउ मोर। आमे मु मन न कहि मो मन कहिथाउ। जदि मनकु शांति दरकार ताले मन कहिबार प्रयोजन ही जे मो मन अशांत अटे, किंतु वास्तवरे कहंती कि मो मन अशांत अटे। एक कथा सत्य, जीवन दुखी बा अशांत नुहे, किंतु किछि समय पई एहार प्रभाव अनुभूत हेथाए। तेणु मनुष्य इच्छा करिथाए कि ताकु शांति दरकार, बा मुख द्वारा कहिथाए मते भल लागुनी, व्यस्त लागुचि, अशांत लागुचि। अशांति यदि सबुले विराजमान थांता तेबे मनुष्य शांति बोली वस्तु कोण अनुभव करिनथांता, कि शांति पई इच्छा बा प्रयास मध्य करिनथांता। तो ये शांति अशांति को अनुभव करुथवा व्यक्ति टी किए? से हला चैतन्य शक्ति निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा, जहाँकि पांच तत्व शरीर धारण करी जीवात्मा रूपे परिचित होता है। शरीर धारण कलापर सुख दुख शांति अशांति को ये जीवात्मा अनुभव करी थाए। शरीर रु आत्मा चली गला परे से किछि अनुभव करी पारे नै। जेपरी शरीर पांचटी कर्मेन्द्रिय अछि, आखि नाक कान जीभ ओ चर्म, सेपरी चैतन्य शक्ति आत्मार तीनोटी सूक्ष्म शक्ति रहिछि, यथा आत्मार संकल्प शक्तिर नाम मन, निर्णयकारी शक्ति बा विवेक शक्ति को बुद्धि, ओ कर्म कला परे आत्मा परे जो प्रभाव पड़े ताकू स्वभाव बा संस्कार कहते। तो आत्मा को चैतन्य शक्ति बा सत्ता कहबार उद्देश्य होची जे से सुख दुख शांति आनंद को उपलब्धि करिवारे सक्षम होइथाय। सागरर ढेउ सदृश मनरे सदा सर्वदा संकल्पर ढेउ उत्पन्न होइथाय। मनुष्य जीवित थिला पर्यंत मनरे अहर संकल्प चालिथाय, बंद हे नथाय। तो ये संकल्प मुख्यतः दुई प्रकार, शुद्ध संकल्प
अशुद्ध संकल्प मनर अवस्था अनुसार संकल्प सृष्टि होता है। अनेक भावती मन हृत्पिंड बा हृदय एक वास्तव में मन आत्मारे निहित थाए जहार स्थान होची मस्तिष्क पाखरे। हृत्पिंड होची एक रक्त संचालनकारी पंप एबे ऑपरेशन करा जाए हृत्पिंड को परिवर्तन कर दिया जाए पारुची किंतु मस्तिष्क परिवर्तन ए पर्यंत हो पारिना। जदि मस्तिष्क परिवर्तन संभव से मध्य अन्य व्यक्तिर अधिकारी हो जाए पारंते। साधारणत मन उपरे सबुठ दोषारोप करा जाए थाए मन नीच पापी मूढ़ पाषाण सैतान वास्तवरे मन निर्दोष। मनर काम हैला संकल्प करिबा। प्रत्येक कर्म पाई संकल्प मनरे उत्पन्न होता है। जदि मनरे सब खराब संकल्प चालू थांता तेबे कौनसी व्यक्ति केबे हेले श्रेष्ठ कर्म करि पारि न थांते। मनुष्य तो दि प्रकार कर्म करि थाए पाप ओ पुण्य। अशुद्ध संकल्पर वशवर्ती ही आत्मा जितने कर्म करे ताकु पापात्मा कहा जाए और शुद्ध संकल्पर परिणति स्वरूप आत्मा जितने कर्म करी थाए ताकु पुण्य आत्मा कहा जाए। एपरिकी मानस मनुष्यर मानसिक वृत्ति गुड़िक मध्य भिन्न भिन्न प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक। श्रीमद् भगवद गीतारे वर्णित अछि जे आत्मा निजर शत्रु और निजर मित्र होता है। जेतेबेले मनरे शुद्ध संकल्पर लहरी उत्पन्न हुए सेतेबेले निजर मित्र होता है। जेतेबेले अशुद्ध संकल्प आसे सेतेबेले निजर शत्रु होता है। तो शुद्ध अशुद्ध संस्कार पूर्व जन्म उपरे आधारित कर्म अनुसार ए संस्कार गढ़ी उठे नचेत बिगड़ी जाए। तो प्रत्येक कर्म करिबा पूर्वरु मनुष्य चिंता करी थाए। तो ए चिंता करिबा काम होची बुद्धिर जहाँकु तराजु भावरे चित्रण करा जायची। अपरपक्षरे मन घोड़ा हेले बुद्धि होची तार लगाम। यदि मनुष्यर बुद्धि शुद्ध और गुणसंपन्न हुए अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुक्त हुए ताहले तार कर्म श्रेष्ठ हेब ओ फल मध्य सुख शांतिमय हेब। तो बुद्धिर शुद्धता ब्रह्मचर्य ईश्वरीय ज्ञान और जग बल द्वारा होता है। और बुद्धि को बल मिलता है। बल आधार मनुष्य निजर असत संकल्प विकल्प को दूर करिपे नचे कर्म स्वेच्छाचारिता वृद्धि पाए फल दुखमय होता है। तो मन को मार नहीं मन को सुधारिबार अछि। हरजोगी माने नाना प्रकार कष्ट साधना जप तप उपवास द्वारा मन को दमन करिबा पाई चेष्टा करंती। सेमानक धारणा मन को अमन विचार भावना शून्य कले जाई साधना रे सिद्धि लाभ हेब। तो मनर उत्तेजना विक्षेपता चंचलतार मूल कारण होची अशुद्ध संकल्प। एगुड़ी को गुरुतर सह दमन करिदेले मनरे शुद्ध संकल्प उत्पन्न हेब। जेमती कहानी अछि जे बुद्धदेव समय कथा जने राजा बुद्धंकर शिष्यत्व ग्रहण करिथांती। राजा प्रथमे खूब विलासी थिले। राज्य प्रति तांगर प्रबल वैराग्य वृत्ति हेबा कारणरु से राज्य त्याग करदेले और बुद्धंकर शरण नेले। संघरे शिक्षा दिया जाउथिबा सबु नीति नियम को से अक्षरे अक्षरे पालन करुथांती। कठोर तपस्या मध्य करुथांती समस्तंकु एमिति कि समस्तंकु तपरे मध्य समस्तंकु बळी गले। तो समस्तंकर शंका हला ये तो जेमिति तपस्या करुचंती ये तो बुद्ध देवंकु मध्य बळी जिबे। किंतु राजा कठोर तपस्या द्वारा अत्यंत दुर्बल हो पड़िले। एक कथा बुद्धंक कान को गला। बुद्धदेव गोटे बीणाटे नहीं उपस्थित हेले। राजा तंकु आसीबार उद्देश्य पचारिले। तो बुद्धदेव कहिले हे राजा आपण तो जणे निपुण बीणा बादक थिले
तेणु मत बीणा बादनर शिक्षा दिंतु। तो राजा बीणाटी को प्रथम परीक्षा कले, बीणार तार ढिला थिबारु स्वर बाहर नथिला। तो बीणार तार को टाइट करने बुद्ध को कहले, बुद्ध बीणार तार को टाइट करी पुनी राजा हाथ को बढ़े दिले, पुनश्च स्वर बाहर ना। तो राजा बीणार तार को मध्यम अवस्था को आणिले और स्वर सृष्टि कले और बुद्ध हाथ को मध्य बढ़े दिले। बुद्ध देव मध्य आंगुली चालना करी सुमधुर स्वर लहरी सृष्टि कले। तो बुद्ध देव कहले, हे राजा, आपण का जीवन प्रथमे बीणा तार परि हुगुला थिला, तुम्हें विलास व्यसन बुड़ी रहुथिल, सेथिपई तुम जीवन बीणारु स्वर झंकृत होनथिला। एबे साधना मार्गरे पाद देइ तुम जीवन बीणार तार को शक्त भावे बांधी सिना देइछ, से अल्प दिन छिंदी सिना जीव किंतु स्वर सृष्टि करि पारिबो नाही। तेणु जीवन को संगीतमय करिबा पई हेले, जीवन को शांत करिबा पई हेले मध्यम पंथा दरकार। किंतु केतेक साधक माने मन को वश करिबा पई मन उपर अत्याचार करि बसंती, फलरे साधना मूलर नष्ट हो जाए। तो मन चंचलतार कारण कौन, कहीं मन चंचलता होची? अनेक मानसिक विकार मध्यर मुख्य विकार गुड़िक होची काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही विकार गुड़ी को मानसिक रोग मध्य कहा जाए। यह मन को चंचलतार आनी थाए और मनुष्य आत्मा दुखी हो जाए थाए। शारीरिक रोग पाई व्याकुल मनुष्य जमिती डाक्तर वैद्य चिकित्सक संधान रे लागी पड़े, सेमिती मानसिक अशांति रक्षा पाइबा पाई मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च आदि तीर्थस्थान को जाई थाए। जेपरी व्यथा निवारक बटिकाटीए व्यथा और बेदना उपशम करिवारे समर्थ होई थाए, सेपरी उपरुक्त स्थान रु मनुष्य को सामयिक सुख शांति आनंद मिले थाए। तो पूजा पाठ यज्ञ तप शास्त्र अध्ययन तीर्थ पर्यटन मनुष्यर अस्थिर मन को चिरस्थायी स्थिरता प्रदान करी पारे नहीं। तेणु से मुदी माला रुद्राक्ष धारण करी से अशांतिर जंगल रे बाट बणा हो जाए थाए। तो आम मन को केमिति सुमन करिबा, मन होची एक छोटो पिला परी, जो काम पिला को मना करिबे से काम करिया पय अत्यंत उत्साही हेबो। तो प्रत्येक आत्मा निजर गुण और स्वभाव रे आनंद लाभ करिथांती, जेपरी डाक्तर निज चिकित्सा विद्या द्वारा, व्यवसायी निजर व्यवसाय द्वारा, ड्राइवर निजर गाड़ी चालना द्वारा, खेलाड़ी निज खेल देखा आनंदित होतीपरि प्रत्येक मनुष्य आत्मा से परम पवित्र परमात्मांकर अमर संतान, निर्विकारी, दिव्य गुणधारी, पवित्र स्वभावयुक्त होता कारण सुख शांति आनंद प्रेम आदि गुणर आदान प्रदान रे आत्मा संतुष्ट रही थाए। वर्तमान मनुष्यर अवस्था मेलारे बापा माँ ठारु अलगा हो जाइथिबा पिला सदृश्य, मेला महोत्सव चाक चक्य दोली सामयिक परितृप्ति देला परे मध्य पिलाटी घर कथा माँ बापा कथा मने पकाई अशांत हो पड़े। तापाई जेमिती समस्त मेला आलोड़ा हो जाए, तेणु समस्त मनुष्य जणे जणे अविनाशी आत्मा अटंती, शरीर धारण करी अभिनय करुछंती। शिव परमपिता परमात्मा समस्तंकर पिता, शांतिर सागर आम आत्मार स्वधर्म शांत, आम आत्मार घर होची शांति धाम। तो यही धर्मर ग्लानी समय रे
सृष्टि नाटकर शेष दृश्य रे स्वयं विश्व नियंता परमपिता परमात्मा यही धराधाम प्रजापिता ब्रह्मांक शरीर रे अवतीर्ण होई मनोविकार उपरे विजय प्राप्त करिवार शिक्षा दौंती जहाद्वारा मनुष्य को ईश्वरीय प्राप्ति सृष्टि और ब्रह्मांडर ज्ञान मिलवा सहित मन विभ्रांतरु भी मुक्त होता है। तो मन को बस करिवा अर्थ हला मन को जोर जबरदस्ती बा कष्ट न दे मनरे पवित्र संस्कार जाग्रत करिवा। तो मानसिक विकार सहित केमती लड़े करिवा भोकिला मनुष्य शीघ्र रागिजीवा परी दुर्बल लोक सहजरे रोगग्रस्त हला परी ए पांच विकार मनुष्यर मन को हठात आक्रमण करी काबू करी नहीं थाए से परास्त ही निजर अज्ञानता फलरे निजर स्वरूप स्वधाम स्व कर्म स्व पिता परम पिता परमात्मा को भूली जाय थाए फलरे विकारग्रस्त होई बंदी जीवन जापन करे जीवन दुख जंजालमय हे पड़े। तेणु गीतारे अर्जुन पचारी चंती जे आत्मा निज दुख जंत्रणार कारण जानी मध्य बारंबार सही कर्म करी दुखी काही कि हुए। तो भगवान कहिचंती जे आत्मा विकार सहित युद्ध करिवा पई शक्ति रे सामर्थ्य नुहे। तो विकार सहित युद्ध करिवा पई हेले शक्तिर प्रयोजन लोड़ा। तो यही शक्तिर दाता शिव परमपिता परमात्मा से पतित पावन परमात्मा को ठारु मिली थाए से मध्य समस्त उपरे अपार कृपा करी थांती। मनर शांति तो केमती आनी पारिबा मनर शांतिर मंत्र कौन परमपिता परमात्मा कहंती हे संतान गण मन को दिग भ्रष्ट कर नाई मते निज को आत्मा भावी मते परम पिता परमात्मा को मने पकाओ जहाँ फल रोग पापरु मुक्त हो परम शांति परम सुख पाई एथिपाई कौन सी योगासन भोजन कीर्तन दरकार नहीं केवल परमात्मा को साथी रे निरंतर बुद्धि योगसूत्र स्थापन करिवा दरकार। शांति होची आत्मार स्वधर्म यह कौन सी बाह्य व्यक्ति वस्तु ठारु मिलिबा संभवपर नुहे। तेणु मनरे शांति पाई आत्मार निजर स्वधर्म को चिन्हिबा और तार परिचय पाई सेथिरे चिंतामग्न रहिबा आवश्यक। आत्मार पिता शांतिर सागर आत्मार बासस्थान शांतिधाम मुँ हूँ से परम पिता परमात्मा कर संतान जे कि सुख शांतिर दाता से निज पाई सुखदायी अन्य मानक सुख स्वरूप होगा पड़ मो पाख को जमी विकार न आसे काम क्रोध लोभ अहंकार न आसे से मत परम पिता परमात्मा कर स्मृति रहा पड़ परमात्मा फल प्राप्ति पाई परमात्मा को परे छाड़ी देवा दरकार। हे सर्वोपरि परम पिता परम शिक्षक परमात्मा को परे अखंड भरोसा और समर्पणता मनर शांति को आहुरी मजबूत कर दे थाए। जीवन नौकार आहुला तांको हातरे देला परे शांति स्वतः फेरी आसे एथिरे संदेह नहीं। जदि पुरुषार्थ सत्वे भी जदि निर्धन अवस्था दूर न हेला तेणु मन को धैर्य देवाई मनरे शांति देवाई परमात्मा को उपरे छाड़ी देवा दरकार निश्चिंत रहा दरकार। कहा जाए परमात्मा होचंती गरीबर बंधु तेणु तांकु निरंतर स्मरणा कले
सुदामा परी चावल मुठाई दे महल पाइबार तृप्ति लाभ हेब। आउ मन अशांतिर कारण होची चिंता। लुण हांडी को खाइला भली मनुष्य को चिंता खाई जाए थाए। प्रकृति रे चिंता नुहे दुश्चिंता जीवंत मनुष्य को नाना प्रकार मानसिक व्याधि रोग हृदरोग एक प्रकार रोग रे रोगग्रस्त कर दिए। तेणु गीतारे अच्छी कर्मर अधिकारी हुआ किंतु फल प्राप्ति पाई परमात्मा को परे छाड़ी दियो। आमे जहाँ चाहिबो तहा हेब यह असंभव। तेणु चिंता को प्रभु चिंतन रे परिणत करदे मनरे शांति फेरी आसिबो। ओम शांति। चारि जुग बीति गला करणी कौड़ी न हेला भरणा कौड़ी न हेला भरणा देव दुर्लभ जीवन बीतिला देव दुर्लभ जीवन बीतिला पापर न हेला गणना पापर न हेला गणना मन अभिमान अज्ञान बंधन कड़ु सकाली मगेरा मन अभिमान अज्ञान बंधन कड़ु सकाली मगेरा पथ हुड़ी चालो अमरा बाटे पथ तुड़ी चालो अमरा बाटे छाड़ी अमृतर धारा छाड़ी अमृतर धारा मानस हंस उड़ी जीवा चाल परम शांति धाम को मानस हंस उड़ी जीवा चाल परम शांति धाम को शांत कपोत हाथ ठारी डाके शांत कपोत हाथ ठारी डाके माया छाड़ी आसीबा को मुई जुग बीति कला करणी कौड़ी न हेला भरणा कौड़ी न हेला भरणा चारि जुग बीति गला करणे कौड़ी न हेला भरणा कौड़ी न हेला भरणा।
ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ବିତିଲା ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ବିତିଲା ପାପର ନ ହେଲା ଗଣନା ପାପର ନ ହେଲା ଗଣନା ଚାରି ଯୁଗ ବିତି ଗଲା କରଣେ କୌଡ଼ି ନ ହେଲା ବରଣା କୌଡ଼ି ନ ହେଲା ବରଣା କୌଡ଼ି ନ ହେଲା ବରଣା।